जनपद जौनपुर में स्थित रामपुर विकासखंड क्षेत्र के कोटी गांव गोसाईपुर गांव में समाजसेवी रंजीत गोस्वामी ने गरीब मनरेगा मजदूरी करने वाली करीब डेढ़ दर्जन से अधिक महिलाओं को रक्षाबंधन के पर्व के लिए साड़ी, मिठाइयां और 500 रुपया नकद सहयोग कर उनका उत्साहवर्धन किया। समाजसेवी रंजीत गोस्वामी के अनुसार हर गांव में गरीब असहाय जरूरतमंद महिलाओं की मदद करना चाहिए। हो सकता है आपसे प्रेरणा लेकर और समाजसेवी इनकी मदद करते रहें। इन महिलाओं में मीना, पूजा, सरोजा, प्रमिला, अमरावती, सोनी, कंचन, रेखा, उषा, संजू, सुनीता, बबीता सहित दर्जनों महिलाएं रक्षाबंधन के पर्व के लिए इस सहयोग पर प्रसन्न हुई और संजीत गिरी को धन्यवाद दिया। जी, ये आप बताइए कि आज आपने जो है साड़ी और मीठा वितरण किया है जी, इसका क्या उपलक्ष्य है, किस उपलक्ष्य कारण आपने ऐसा किया? ये हमारे यहाँ जो हमने दो दर्जन लोगों को साड़ी और मीठा जो आज हमने उनको दिया है रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, ये हमारे यहाँ नरेगा में काम करती हैं महिलाएं, जो गरीब महिलाएं थी। अच्छा, ये मनरेगा की आपके यहाँ जो है जी, गरीब ये कौन से बिरादरी के हैं? इसमें ओबीसी हैं, एससी हैं, बनवासी। अच्छा, जो भी गरीब महिलाएं जी, तो उनको आपने क्या क्या दिया है? उनको साड़ी दिया और 500 रुपये और मीठा दिया उनको। तो क्या सोच है आगे की, किस लिए ऐसा आप कर रहे हैं? हमारा सोच यह है कि जैसे हम अभी तो उस लेवल पे नहीं हैं, लेकिन जिस लेवल पे हैं हम लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि हम लोगों के पास इतना बजट नहीं है, फिर भी जो भी है हम लोगों के पास, जो हमारे यहाँ की गरीब लोग हैं, जो असहाय हैं, ऐसे हमारे करने से ऐसा होगा जो और लोग हैं वो भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे, वो योगदान करेंगे, जिससे हमारे गाँव की जो समस्या हैं, जो गरीब हैं, इनकी समस्या का समाधान हो पाएगा। अच्छा, मतलब कि अगर आप आगे आए हैं तो ऐसे और लोग भी आगे आएंगे जी, और गरीबों का उत्थान होगा जी, इसीलिए आपका यह प्रयास है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत गिरी है। कौन सा गांव है? कोटिया गोसाईपुर।